लखनऊ से सांसद एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंच रहे हैं। सबसे पहले राजनाथ सिंह अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से सीधे अमौसी मेट्रो स्टेशन के पास कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल रहेंगे। 7,506 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लखनऊ की मुख्य परियोजनाओं में मुंशी पुलिया चौराहे से पॉलिटेक्निक तक फ्लाईओवर निर्माण का शिलान्यास करेंगे। खुर्रमनगर चौराहे पर और मड़ियाव से आईआईएम क्रॉसिंग तक फ्लाईओवर निर्माण का शुभारंभ करेंगे। और आलोक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से एसोसिएट एडिटर। आलोक जी, क्या जानकारी आपके पास? आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ दौरे पर हैं, सीएम भी वहां पर मौजूद रहेंगे, क्या जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए एक बड़ी उपलब्धि आज कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को राजधानी लखनऊ को मिलने जा रही है। जब रक्षा मंत्री है और उसके राजनाथ सिंह जो की लखनऊ से सांसद भी है, उसके साथ ही सड़क परिवहन मंत्री केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी लखनऊ में होंगे। और करीब 12:30 बजे राजधानी लखनऊ को, उत्तर प्रदेश को, करीब 7,500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का तोहफा देने जा रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि लखनऊ की जो मुख्य परियोजनाओं है, मुंशी पुलिया चौराहे से पॉलिटेक्निक तक फ्लाईओवर के निर्माण का शिलान्यास, चूंकि ये जो पॉलिटेक्निक का इलाका है सबसे ज्यादा बेस्ट इलाका माना जाता है, फैजाबाद अयोध्या गोरखपुर के लिए लोग इसी रास्ते से निकलते हैं, पूर्वांचल को कनेक्ट करता है और यहाँ पर जाम की समस्याओं के मद्देनजर एक और पॉलिटेक्निक से मुंशी पुलिया तक फ्लाईओवर के निर्माण का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा खुर्रम नगर चौराहे पर भी एक फ्लाईओवर निर्माण और मड़ियाव से आईआईएम क्रॉसिंग तक फ्लाईओवर के निर्माण का शुभारंभ करेंगे। और उसके बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वापस दिल्ली चले जाएंगे। हालांकि देखा जाए मुख्यमंत्री योगी के कई कार्यक्रम है, काफी व्यस्त दिन रहने वाला है मुख्यमंत्री योगी का। आपसे कुछ पहले पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी थे, जहां पर उन्होंने परेड की सलामी भी दी और कानून व्यवस्था के बारे में भी बताया कि किस तरीके से पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां रही कि अपराधी और माफिया जेल के पीछे रहे। नई भवनों का शिलान्यास भी इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने किया है। और अगर दिन भर के कार्यक्रमों की बात करें तो करीब 7 कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी शिरकत करेंगे और कई कार्यक्रम जिससे मुख्यमंत्री आवास पर ही है। और सीधे तौर पर देखा जाए वो जनता से जुड़े हुए कार्यक्रम है। मैं बताना चाहूंगा कि 11:05 पर पेंशन वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद अमौसी एयरपोर्ट पर जो कार्यक्रम है जिसमें नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शाम को 4:30 बजे सिंचाई विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने का काम करेंगे और 5:30 बजे ऑक्सीजन प्लांट के ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे और शाम को 6 बजे स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का काम है और शाम को 6:30 बजे ही इंद्रप्रस्थ उत्तर प्रदेश अतिथि गृह नई दिल्ली का ऑनलाइन लोकार्पण और नवनिर्मित संभाग भी वाणिज्य कार्यालय के सेक्टर 148 के भवन का लोकार्पण करेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका। लोग जो पूरी जानकारी हम तक साझा करने के